हाँ जी, जय माता दी, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और यहाँ पे मैं आपको अपने नए घर के मेंबर से मिलवा रही थी। तो ये देखिए छोटा सा डॉगी, हमारे घर का नया मेंबर। तो इसका यहाँ पे हो रहा है स्नान, बच्चे नहला रहे हैं इसको। बिल्कुल छोटा ही बच्चा है, छोटे बच्चे की केयर करना भी मुश्किल होता है क्योंकि जैसे अपने बच्चे होते हैं वैसे ही। और ये छुटकू सा नहीं तो बोल भी नहीं सकते हैं, जानवर तो ऐसे होते हैं। तो इसका नाम रखा है बेटे ने बडी, और मैक्स सोच रखा है। आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सा नाम अच्छा है, बडी है कि मैक्स है। अच्छा, तो यहाँ पे इसका हो चुका है स्नान। छोटे बेटे को बहुत लगन थी इसकी लेने की, पता नहीं कब से कर रहा था डॉगी लेना है डॉगी लेना है, और आज इसकी इच्छा पूरी हो ही गई। तो ये देखिए इसको नहला दिया है और बच्चे बहुत खुश हैं। होता ही है घर में कुछ कोई नया मेहमान आता है तो ये तो मेंबर है घर का ही। मॉर्निंग, जय माता दी, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं जा रही हूँ आज अंबाला शहर, दुकान का सामान अंबाला शहर से ही लेके आती हूँ तो वहीं जा रही हूँ। तो चलिए फिर आप लोगों को भी ले चलते हैं अंबाला शहर, पर्स उठा लेते हैं। और मास्क तो सबसे ज़रूरी है, आजकल बाहर निकलना हो तो मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुँह ढक कर जाना पड़ता है। चलिए फिर चलते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अंबाला शहर। और गाड़ी की धुलाई हो रही है, मेघा बाय करो। ये मेरी छुटकुरी 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 है, ये मेरी छुटकुरी छुटकुरी। हाँ जी, तो पहुंच चुके हैं अंबाला शहर। तो चलिए फिर कर लेते हैं दुकानदारी की शॉपिंग।
और दुकान की शॉपिंग करेंगे और आप लोगों को भी घुमाएंगे अम्बाला शहर की मार्केट। तो जहाँ से मैं सामान लेती हूँ वहीं से ले रही हूँ। कई दुकानों में जाना पड़ता है कि दुकान में नहीं, क्योंकि अलग अलग वैरायटी मिलती है हर दुकानों पे, तो इसलिए कई दुकानों पे जाना पड़ता है। तो सबसे पहले वाली दुकान से स्टार्ट कर दिया है और आप लोग भी घूम लीजिए अम्बाला शहर। तो यहाँ मैं पर्दे देख रही थी, मुझे घर के लिए कुछ पर्दे लेने थे तो वही देख रही थी। हाँ जी, 7 बजने वाले हैं और तब जा रहे हैं हम अम्बाला से। काफी रात हो चुकी है, तो चलिए फिर चलते हैं वापस घर। हमारे गांव से अम्बाला तक का रास्ता 1.5-2 घंटा लग जाता है आराम से। तो हम पहुंचने वाले हैं घर। तो सारा दिन परेशानी होती है, बाहर जाकर सुबह से निकले हैं और रात हो चुकी है, तो घर जाके फिर सामान भी निकालना होता है। दुकान का इतना सामान है जो वो सेट करना होता है। तो मैं हम पहुंच चुके हैं घर और मैं साड़ी दिखा रही थी जो मैंने भाभी को ली है, जो अभी शादी है मेरे भाई की नवंबर में। तो कैसी लगी आपको साड़ी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।